सर प्रूफ दिखाइए, हिंदी मीडियम से कोई सिलेक्ट होता है? कई ऐसे होंगे जो अभी भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अरे पैसा दिया है इसको तो, आखिर कब तक, कब तक, कितनी बार प्रूफ दिया आखिर, कब तक? चलो एक बार और सही, और आगे भी देते रहेंगे, हर बार देंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को बतानी है, और वो जो आप बार बार प्रूफ मांगते हैं, है ना, मांगते हैं ना कि सर कोई प्रूफ तो दिखाइए कि डाउटनट से कोई सेलेक्ट भी होता है, है? सर प्रूफ दिखाइए हिंदी मीडियम से कोई सेलेक्ट होता है। अरे हमने तो यही सुना है इंग्लिश मीडियम से ही सेलेक्ट होता है, हिंदी मीडियम से तो कोई सेलेक्ट ही नहीं होता। आखिर कब तक, कब तक, कितनी बार प्रूफ दिया आखिर, कब तक? चलो एक बार और सही, और आगे भी देते रहेंगे, हर बार देंगे, ठीक है। आइए आज आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, वो बच्चा जो डाउटनेट से पढ़ा, वो बच्चा जो हिंदी मीडियम से, वो बच्चा जिसके 656 मार्क्स आए थे, 656 मार्क्स आए थे, ठीक है, जो अभी पढ़ रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, ठीक है जनाब, पूरी वीडियो। और सुनो सुनो, कई ऐसे होंगे जो अभी भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अरे पैसा दिया है इसको तो, पैसा दिया है इसको तो, मेरे पास तो नहीं है बेटा बिल्कुल भी फालतू पैसा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए, इन चीजों के लिए तो नहीं है दोस्त, ऐसा पैसा नहीं है। और ऐसा पैसा काम का क्या जो बदनाम करे, ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। आइए सुनाता हूं, और जो ऐसा लिखने वाले हैं दूर रहिएगा ऐसी वीडियो से बिल्कुल ही, ठीक है, सुन लीजिएगा। ये मैंने व्हाट्सएप पर कॉल किया था प्रूफ के साथ में तुम्हें बताने के लिए। हेलो उत्सव, कैसे हो? प्रणाम, कैसे हो सर? अच्छे हो? कहाँ पर हो अभी, घर पर हो? नहीं सर, अभी एक रिलेटिव के घर आया हूँ, कुछ काम था। अच्छा अच्छा, उत्सव सबसे पहले ये बताओ आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ 2-3 सालों से। 5 मिनट की रहेगी ये वीडियो, तो तसल्ली से सुनिएगा, एक एक सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, 5 मिनट की ये वीडियो रहेगी। अच्छा, अभी कौन से मेडिकल कॉलेज में हो आप? जीएमसी जीकेपी। जीएमसी जीकेपी। जीकेपी, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। उत्सव थोड़ा सा एक बार कहीं लाइट अगर हो तो वहां पर एक बार हम जस्ट 2-3 मिनट के लिए हम बात करते हैं, ना? और ये ना कोई वीडियो एडिट नहीं करिए दोस्त, एडिट नहीं करिए, नहीं तो आप देखेंगे कई सारी वीडियोस होती है एडिट कर देते हैं, ठीक है, कोई एडिट नहीं किया वीडियो, यूं की यूं उठाई है और लगा कर रख दी है, ठीक है। यस, सो उत्सव, मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ना देखिए आपका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, सबसे पहले आपके मार्क्स कितने आए थे नीट के एग्जाम में? 656। जबरदस्त। सो आप हिंदी मीडियम से हैं? हाँ सर। और अभी मुझे है ना 2-3 चीजें ये पूछनी है। सबसे पहली बात, क्या आपको लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? ऐसा ऐसा कोई ऐसा कुछ है क्या कि हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? सर ऐसा पहला कि मिथ है, मिथ और है ना? बाकी मीडियम, हाँ सर ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी मीडियम की बात रही तो सभी बच्चों का होता है। और बस एक ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी मीडियम का बच्चा हो, कंसिस्टेंसी रहे, हार्ड वर्क करते रहे, मतलब कंटिन्यू उसको पढ़ाई करते जी। और है ना कई कई लोगों को है ना ये भी लगता है कि हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में चेंज ले लेते हैं, इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है। सो आई थिंक आपने ये प्रूफ करके दिखाया है, और आप जैसे कई हजार बच्चे हैं जो ये प्रूफ करके दिखाते हैं। अच्छा, आपके मेडिकल कॉलेज में हिंदी मीडियम से भी कई स्टूडेंट्स आए होंगे क्या सर? आपके जो मेडिकल कॉलेज में हैं, आपके बैच में कई बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे? सर दो बच्चे। दो बच्चे हैं, ठीक है। और एक चीज मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, या हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस होती है कि उनका नीट का वो क्यों क्रैक नहीं कर पाते, ज्यादा तादाद में क्यों बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हिंदी मीडियम के? सर वो इसलिए क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि हिंदी मीडियम के कहीं उतने अच्छे कोचिंग्स हैं नहीं पहले, और जहाँ तक डाउटनेट पे पता चलो, डाउटनेट बहुत ही अच्छी मतलब
आप लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराए सर जी। अच्छा एक और चीज ये क्लियर कर देना, कई बच्चों को ये लगता है कि है ना इन्होंने ना पैसे देकर ये वीडियो बनाया है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा, ये क्लियर कर देना इन सभी बच्चों को, क्योंकि ना ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि पैसे देकर ये वीडियो बनवाते हैं। नहीं सर ऐसा सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सर आपने कॉल किया, और मैं मैसेज भी कर रहा था लेकिन सर आप बिजी रहते थे यार। ठीक है, ट्राई करूंगा मैं अब आगे से जितने भी कॉल्स और मैसेजेस होंगे सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है उत्सव, एक और चीज मुझे ये बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए हिंदी मीडियम के बच्चों को? सर यदि वो लोग बायो ले ही चुके हैं तो उन लोगों को जैसे क्लास 11th मिले वैसे ही उन लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी जब 11th में मैं आया था तो एक दो महीने ऐसे निकल गए थे जैसे स्टार्टिंग कहां से करेंगे ही नहीं समझ जी। अच्छा एक और चीज है ना, कई लोग ये बोलते हैं कि अभी अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्या आपको भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अब एकदम से, या अब न्यूट्रल हो गया है वो? नहीं सर, स्टार्टिंग में हो सकते हैं आपको एक दो मतलब लगभग एक महीने ऐसे हो, क्योंकि आखिर वो भी तो बच्चे हैं कि जो जैसे रसिया वगैरह जाके पढ़ते हैं तो पहले वो लोग वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, तो इंग्लिश तो वैसे भी हम लोग के एनवायरमेंट में बचपन से ही डाली जाती है तो उतनी वैसे कोई प्रॉब्लम। ठीक है तो अब एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई खांसी जुकाम बुखार हुआ तो फिर मैं प्रिस्क्रिप्शन ले लूँ ना फिर तुमसे अब? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, और घर पर सब बढ़िया है? हाँ सर बढ़िया, वही प्रॉब्लम है वही थी कुछ। और आपके अभी बता रहे थे आपका ब्रदर है उसकी भी अच्छी परसेंटेज आई थी अभी? हाँ सर उसके भी 92% है। 10th में या 12th में? 12th में। वाह बहुत ही बढ़िया। सो मैं बस यही था, मैंने कहा एक बार मैं आपसे बात कर लूं और जितने भी बच्चे हैं उनको एक छोटा सा एक गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही विचार चलता है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा एक लास्ट चीज़ और मैं पूछूंगा उत्सव आपसे, आपने बुक्स कौन कौन सी यूज़ में ली थी ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन? सर पहले यदि आप इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, बच्चा बता रहा है कि कौन कौन सी बुक्स उसने यूज में ली थी। मार्क्स आपको पता लग गए हैं, 656 मार्क्स थे 2022 में। ठीक है 656 मार्क्स, डन। हिंदी मीडियम से डाउटनट से पढ़ा है, उत्सव नाम है, क्लियर? ठीक है, कोई दोहराए तो नहीं है अब इस चीज में कि इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं सर ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, है? कई तो बोलते अरे डाउट लोकल कोचिंग है, कैसे मतलब कैसे तुमको क्या चाहिए? तुमको ब्रांड चाहिए, ब्रांड ही तो है, सिलेक्शन हो रहा है, बच्चा हिंदी मीडियम से है, हाँ रेशो कम है हिंदी मीडियम का हमें भी पता है यार, नहीं है इतनी सुख सुविधाएं जितनी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को चाहिए होती है, नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना। तो आगे से ये वाला जो गेम जो होता है ना, ये कुछ ऐसे स्पैमर्स आते हैं कईयों के बैठाए हुए चार कौड़ी के, जो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अरे पैसा दिया होगा, भाई साहब डाउटनेट वाले भैया आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे तो हमको दे दीजिएगा, हैं बताओ पैसा दिया होगा, शर्म भी नहीं आती है लिखते हुए भी पैसा दिया होगा, और जो पैसा देते हैं ना दोस्त चेहरे से झलक जाता है, लग जाता है किसने कितना पैसा दिया है। ठीक है समझ में आ गया? और मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आता है कसम से, ऐसे कमेंट जो करते ना कसम से पिटाई कर दे अच्छे से। सुन लीजिए कौन कौन सी बुक इस्तेमाल करी थी। बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हाँ वो समझ आ जाती है, लेकिन फिजिक्स और इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जैसे फिजिक्स के लिए आप कुमार मित्तल यूज कीजिए, और जब आप जैसे जो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए उसके बाद उसके पहले बुक के क्वेश्चंस कीजिए, फिर पीवाई यूज कीजिए, फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके बुक आती है। ठीक है चलिए, मैं ना अब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपने बोला था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है ना बेटा, रेस्ट करो आराम से, है ना, और थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए। आई होप आपकी इस वीडियो से जितने भी बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा,
उनको भी ये समझ में आएगा, जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, कि वो भी क्रैक कर सकते हैं नीट का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और 656 मार्क्स लाना बहुत इजी टास्क नहीं होता है, जो आपने ये क्रैक करके दिखाया है। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं सर, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेक्शन इसलिए उतनी वजह से नहीं होता है क्योंकि वो उन लोग को नहीं समझ में आता है कहाँ से क्या कैसे पढ़े, और यदि वो लोग बस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहे वो भी डाउटनेट से, मतलब तो सर किसी सिलेक्शन डेफिनेटली हो। अच्छा एक लास्ट चीज, और आप मेरे से पढ़े थे ना? हाँ सर। ठीक है ठीक जी सर, मैंने 3 बैच लिए थे। अच्छा। मतलब दूसरे नंबर से। अच्छा। लेकिन जिसमें से एक स्कॉलरशिप टेस्ट से फ्री में मिला था, वो परचेस करना पड़ा। ठीक है बेटा, अभी मेरे को बताना, मेरे को ना मैसेज करना, मैं मिलने आऊंगा यार तुमसे पक्का, है ना। हाँ सर, सर आप जब भी इधर आइए तो बताइए, मैं पक्का 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 101% में मिलने आऊंगा। ठीक है, चलो। थैंक यू उत्सव, थैंक यू सो मच बेटा। डन, देख लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कोई एडिट नहीं, पूरी की पूरी वीडियो दिखाई है। समझ में आ गई ये सारी बातें कि किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता है? प्रूफ दिखा दिया, और कौन सा प्रूफ चाहिए तुमको? ये जो दुनिया है ना, ऐसे ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो तुमको, तुम्हारा पैसा हथियाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती, तुमको आइडिया भी नहीं है। तुमको इतना बरगला दिया जाता है, इतना बरगला दिया जाता है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को, अरे तेरा हिंदी मीडियम से है सिलेक्शन नहीं होएगा, इंग्लिश मीडियम से ही होगा। होता है इंग्लिश मीडियम का ज्यादा? यस होता है। क्यों होता है? तादाद ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के। आप इतनी सी बात जानते ही हैं यार दोस्त, अराउंड 80% बच्चा जो नीट का एग्जाम देने बैठ रहा है इंग्लिश मीडियम का ही तो है, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी एक लैंग्वेज है। सो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम के बच्चे ही ऑलरेडी कम है, तो सिलेक्शन रेट भी क्या होएगा? कम होएगा। और जानकारी नहीं है यार, अभी भी कई ऐसे ट्वेल्थ के बच्चे होंगे ऐसे ट्वेल्थ के बच्चे जिनको पता ही नहीं होगा कि नीट का एग्जाम नामक कोई चीज होती है, होंगे ऐसे बच्चे। सो मेरा सिर्फ ये वीडियो दिखाने का सिर्फ इतना सा एम था कि मूर्ख ना बने, है ना, अपना दिमाग भी लगाएं। आप हिंदी मीडियम से हैं, उसके ऊपर गर्व करो, पछताओ मत, गर्व करो उसके ऊपर कि हिंदी मीडियम से हैं और 650 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और अच्छे से लेकर आ सकते हैं अगर एक्सट्रीम मेहनत करेंगे तो। और जिनको यह था कि हम जो पढ़ाते उससे नहीं आता, प्रूफ दिखाया तुमको, आते हैं, मार्क्स भी आते हैं, बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। और ऐसे अभी अभी ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, आगे आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे तुमको वीडियो दिखाऊंगा, जो तुम बोलते हो ना कि सर कुछ वीडियो दिखाओ तभी हमको भरोसा होगा आप पर। 10,000 क्वेश्चन जब कराए थे तब तुम्हारा भरोसा नहीं हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब भी तुमको भरोसा नहीं होएगा। भरोसा तुमको कब होएगा? जब कोई बच्चा बोलेगा, लीजिए बच्चा भी बोल रहा है अब। ठीक है, डन। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, इस टेलीग्राम की आईडी पर आप जाइए, आपको नई एनसीईआरटी प्रोवाइड कर दी गई है जो अभी मार्केट में लॉन्च हुई है। नई एनसीईआरटी यहां पर मैंने डाल दी है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है जल्दी से डाउनलोड कर दीजिएगा। और आपके लिए स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बैच आ चुका है, कौन सा? आरंभ बैच, 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा, लाइव बैच रहेगा ये, सारी की सारी 6 डेज आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, ए टॉप बैच इसमें बनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैकलॉग सीरीज होगी, जिसमें आप एक महीने में जो जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। पर डे जो भी परफॉर्मेंस होएगा उसकी चेकिंग की जाएगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैंने आपको वादा किया क्वेश्चंस तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बायो में तो इस साल 20,000 क्वेश्चन कराने टारगेट है। ठीक है, डेली क्लास की डीपीपी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, होमवर्क मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड्स मिलेंगी, और नोट्स मिलेंगे लाइव क्लासेस के। डन। कौन से टीचर होंगे बेटा? ये सारे टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे, मैं और योगेश सर बायो, ठीक है, कामेश सर और विक्रम सर केमिस्ट्री, शुभम पालीवाल सर और विपिन सर आपके
फिजिक्स ये पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी 15 मई तक ये आप जल्दी से एनरोल हो जाइए, फायदे में रहेंगे। 6,999 रुपीज इस बैच का प्राइस है, आरंभ बैच, कूपन कोड आपने यूज में लेना आरंभ। फिर भी कोई दिक्कत है इस नंबर पर संपर्क करें, फिर भी कोई प्रश्न है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। किसी भी तरह की समस्या है, कोई आर्थिक समस्या, किसी भी तरह की आपके पास कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको इसका निदान मिलेगा और ऐसे प्रूफ आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है जनाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।